एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूअर्स, ये जो रेड ड्रेस में जो छोटी बच्ची दिख रही ना, ये यतीम यसीर बच्ची है। इसके सर पे ना माँ है ना बाप है, बिल्कुल मासूम। इसको ये नहीं मालूम कि इसके माँ बाप कौन है। और ये जो बच्ची है, इसको इसकी माँ इसको 2000 में बेच दी थी, तो फिर वालिद छुड़ा के लेके आए। और ये जो सारे बच्चे हैं ना, ये पूरे यतीम यसीर हैं, इनके सर पे कोई नहीं है। और इन सब की माँ ये है, ये है बिल्किस आपा। आज मैं आपको कोई रेमेडी या कोई दुनियावी रेमेडी नहीं बता रही हूँ, आखिरत की रेमेडी बता रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम बिल्किस आपा। ये हमारे बिल्किस आपा हैं। मेरी नीस है, एनी नाम है उसका। आप लोग उसकी मगफिरत के लिए, उसकी अच्छी जिंदगी के लिए बहुत दुआएं करिए। कम उम्र की बच्ची है, लेकिन उसको इतना शौक है सोशल वर्क का। उन्हें ये यतीम खाना ढूंढी, यहाँ पे आई, फंडिंग करी, देखी, उसके बाद हम लोगों को बोली। फिर मेरी बड़ी बहन भी आए यहाँ पे, जो हाफिज़ कुरान है, तलत है, उनके लिए भी नाम है उनका, दुआ करिए। तो आज मैं यहाँ पे आई, आप इमेजिन नहीं करेंगे। ये बिल्किस आपा है, माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छा हाई प्रोफाइल लाइफ थी। इनके मियाँ सऊदी में थे, इनके पास कोई लोग आके दो बच्चों को छोड़ के चले गए, फिर वापस पलट के नहीं देखे, तो बच्चों को उन्होंने पालना शुरू करे। उसके बाद से ऐसा ऐसा इनके पास 38 बच्चे जमा हो गए। 68 थे तो केसीआर के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। 68 थे तो, क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सक रहे थे, तो 38 को रख लिया और एडमिट कर दिया। तो आप सोचो, हम एक बच्चे को पालने के लिए ऊपर नीचे हो जाते। ये खातून जब मौका ऐसा आया कि इनके मियाँ की जॉब चली गई और इनके पास पैसा खत्म हो गया, तो इन्होंने अपने आंग का जेवर बेच के बच्चों को खिलाए पिलाए। कौन कर सकते हैं? आप लोग कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, मैं खुद भी नहीं कर सकती हूँ। मैं अपनी एक औलाद के लाड़ा उठाने में इतनी बिजी रहती हूँ कि मेरे को कोई और दूसरे घर में क्या है, आसपास क्या है, मेरे को होश नहीं रहता। तो सोचो कि बिल्किस आपा को अल्लाह ताला कैसा दिल बनाया कि अपना जेवर, अपनी सेविंग्स सारी ये बच्चों के पीछे लगा दिए, अपना घर पूरा दे दिए। एक साहबजादे हैं, उन्होंने इंजीनियर है, अभी मैं उनसे ही बात करके, मम्मा जब घर में सब फुला के रख रहे हैं और आप लोगों की लाइफ उन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं तो कैसा दिख रहा? तो उन्होंने वही बोले कि अल्हम्दुलिल्लाह हमको ऐसा कुछ फील नहीं करता, और ये मम्मा का मिशन हम लोग आगे बढ़ाएंगे। एक बेटी है, उसकी शादी हो गई। देखिए ये सब यतीम यसीर बच्चे हैं, मासूम बच्चे, जिनको अगर अब ये महीना खिला रहे हैं, खत्म हो जाना, तो फिर नेक्स्ट मंथ खिलाने का कोई वो नहीं रहता, लेकिन अल्लाह इनकी मदद कर देता। बास वक्त तो ऐसा होता, बोलते बिल्किस साहब, बास वक्त कैसा होता आपके पास जब खत्म हो जाता सब? तो बल्कि बहुत परेशानी होती है, लाइट के बिल को, बच्चों के फीसों के लिए, खाने पीने के लिए। तो जब मेरे को इतनी तकलीफ महसूस होती कि मैं एक किलो आटा, एक किलो रवा मंगाने का समय पास पैसे नहीं थे, क्योंकि वैसा हो जाता। फिर आप क्या करते हैं? जब किसी के न किसी के पास से लेके जब शुरू कर देती फिर मैं, अल्लाह मदद कर देता है आपकी बराबर, बेशक अल्लाह मदद करता है। अल्लाह से दुआ करिए, बेशक अल्लाह मेरा जरिया बना देता है किसी के लिए। बस आप लोगों को जरिया